कर लिया और इनका सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, ठीक है, कहा जाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, एक अच्छी सी नौकरी करूंगा और मेरी लाइफ सेट है। तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट अप्लाई करने पर हुआ नहीं। इनको बहुत विश्वास था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि मैं पूरे कानपुर का टॉपर हूँ। बट सबको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से नौकरियां बहुत कम है। तो इन्होंने ट्राई किया बट इनका नहीं हुआ। अब नहीं हुआ कुछ तो करना है भाई, पिताजी का प्रेशर ऊपर से आ रहा है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले। तो इन्होंने कहा कि चल भाई कंपनी खोल देता हूँ अपना। तो इन्होंने एक कंपनी खोल दी। अब जब कंपनी खोलता है कोई तो उसे काम करने के लिए लोग भी चाहिए उसके साथ। तो इन्होंने कहा कि सर आप निखिल सर ये एक और टॉपर थे इसी जगह, ये पहले टॉपर थे, ये दूसरे टॉपर थे। तो इन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, इनको भी पूरा यकीन था हो जाएगा, बट सबके साथ जैसा हो रहा है नहीं हुआ इनका, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने कहा चलो गवर्नमेंट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरा बड़ा भाई कंपनी चला रहा है उसी के साथ चल रहे थे। तो इन्होंने कहा चलो भाई मुझे भी अपने यहां नौकरी पर रख दो। अब ये तो टॉपर थे बट इन्होंने एक गलती की थी बहुत बड़ी, एकेडमिक्स की टाइप, पता है क्या पता है? नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं गलती क्या। गलती इनकी ये थी कि इन्होंने सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ डाला, बुक्स पढ़ डाली, सारी की सारी बुक्स पढ़ डाली, ठीक है, बुक में जो भी लिखा है डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन और जितनी लाइन की इक्वेशंस वगैरह है साइंस में जो भी चीजें सब इन्होंने पढ़ा, बट प्रैक्टिकली कभी कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं करी। और जब आदमी को प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं आता ना तो उसे नौकरी आना नहीं था कि आदमी को इंटरव्यू नहीं मिली, मतलब जब प्रैक्टिकली नहीं आएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब दूसरे बंदे थे भाई साहब सुशील भाई साहब, अब इनके साथ दिक्कत क्या थी, पढ़ने में बिल्कुल बेकार, ठीक है, 40%, 50%, 55% आ गए तो आगे बहुत काट ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंप्यूटर की वर्कशॉप ज्वाइन कर ली, ठीक है, कंप्यूटर्स की वर्कशॉप ज्वाइन की, हैकिंग सीख ली, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली, कंप्यूटर के बेसिक सीख लिए, कंप्यूटर को खोलना रिपेयर करना सब सीख लिया। इनको कंप्यूटर से इतना प्यार था कि लगातार इन्होंने सिर्फ कंप्यूटर रात दिन बस कंप्यूटर और कुछ, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या आ गया, ये भाई साहब इनके परसेंटेज नहीं थे, ये टॉपर नहीं थे, बट इनको नॉलेज भी काम कर रही, और ये भाई साहब जो टॉपर थे कानपुर के दूसरे टॉपर, इनको नॉलेज नहीं थी काम करने की। अब दोनों लोग आए, दोनों को जॉब चाहिए। अब मुझे आप बताओ सर कि आप किसको जॉब दो, निखिल सर को दोगे जिनको कुछ नहीं आता काम, या सुशील सर को दोगे जिनको परसेंट तो नहीं है इनके पास पर इनको काम आ, सुशील सर को देखो, ठीक, तो आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ना, आप लोग मतलब खुद इमेजिन करो, एक एम्प्लॉयर के तौर पर अगर आप सोचो, अगर आप किसी के नौकरी लेके जाओगे तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या होगी, आपके नंबर्स होंगे या आपका काम करने का तरीका होगा, बताओ भाई, काम करने का तरीका अगर आपको प्रैक्टिकली आता है तो, है कि नहीं। इसलिए देखो पढ़ाई करना बहुत पढ़ाई करो बट साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, जो वर्कशॉप आती है वो सब ज्वाइन करो, जिससे आपको प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिले। जब आप प्रैक्टिकली जानते होगे तो अगर आपको मैंने अगर एक चीज सुनी हो तो आपको पता होगा गूगल फेसबुक और जितनी भी आजकल की बड़ी कंपनियां हैं वो आपको जॉब आपकी डिग्री या आपके नंबर्स पर नहीं देती, वो सिर्फ अपना एक टेस्ट कराती है, अगर आपको उनका काम करना आता है तो आप सीधे जॉब पा जाओगे, है कि नहीं। इसी तरह आप धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आने वाले टाइम, आपके पास सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू होगी, आपको काम कितना। तो फिलहाल मैंने ये बात इसलिए बताई कि स्किल्स की जरूरत को, वर्कशॉप्स की जरूरत को आप लोग समझ सकते। अब मैं खुद आपके लिए एक वर्कशॉप लेके आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, ठीक है। ये कहानी से मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस इम्पोर्टेंस को समझो कि वर्कशॉप ज्वाइन करना या प्रैक्टिकली सीखना कैसे भी करते हैं, आप इंटरनेट से सीखो, वर्कशॉप से सीखो या कहीं से सीखो, बट चीजों को प्रैक्टिकली सीखो, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने सोचा होगा कि बड़े होके ये बनना है, सबके सपने होते हैं, तो कोई मुझे एक बताओ कि आप फोर्स में, तो क्या रास्ता क्या है फोर्स में जाने का, एयर फोर्स में या जो भी फोर्स आप जिस भी आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उसमें जाने का रास्ता क्या,
कौन सी पढ़ाई करनी है, कहाँ से कोचिंग लेनी है या कहाँ से कैसी प्रैक्टिस होगी, क्या रास्ता है, ये पता है नहीं पता? कोई और या गर्ल्स में से कोई, कोई भी, कोई भी एक लोग, आपने क्या सोचा लाइफ में, आगे क्या टीचर, टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है? तो मतलब ज्यादातर लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है, पता कि वो जो बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं और आखिर वो बनेंगे कैसे, है कि नहीं? ये चीज ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो हम लोग की वर्कशॉप जो है उसका नाम है विजन वर्कशॉप और ये कंप्लीट आपकी कैरियर गाइडेंस है, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या करियर हो सकता है, स्पेस में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो क्या क्या इस्तेमाल होती है, ठीक है? जैसे अगर मैं एक बात पूछूं आपको कि उम्र 18 से तो कम हो ना, सब लोग 18 से कम हो, अब एक बात आपको पता है, आपको 18 से कम हो आपको नासा के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हो, पता है किसी? नासा अमेरिका की जो कंपनी है स्पेस के लिए रिसर्च में, उसमें आप लोग डायरेक्टली काम कर सकते हो, पता है आपको? नहीं पता? क्यूब्स इन स्पेस नाम का एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन और डायरेक्टली नासा के लिए वर्क कर सकते हो, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोग इस समय में कर सकते हो जिससे आपका करियर इतना अच्छा बन सकता है आगे जाके कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो आप नॉर्मल तरीके से सोचोगे नहीं कर सकते, ठीक है? उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है स्पेस में, अभी क्या यूज हो रहा है, आगे क्या यूज होगा, कैसे वो टेक्नोलॉजी वर्क करती है, उसके बाद स्पेस में अगर हमें नौकरी चाहिए स्पेस में, आपको बैठो प्लीज बैठो, स्पेस में हम लोग को अगर स्पेस इंडस्ट्री में वर्क करना है, साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, तो कैसे हम लोग बनेंगे, वो सारी चीजें हम लोग वहां देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये सोचेंगे कि मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन और एंथ्रोपोलॉजी का नाम सुना है, बायोलॉजी सुना, टेक्नोलॉजी सुना है, बहुत सारी लॉजी सुनी होगी, एंथ्रोपोलॉजी सुना है क्या किसी, आर्कियोलॉजी सुना होगा हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी पुरातत्व, इसी तरह एक एंथ्रोपोलॉजी होती है जिसमें हम लोग ह्यूमंस के बिहेवियर पे, ह्यूमंस का कैसे बने, ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, इन सब पे रिसर्च करते हैं। इस फील्ड के बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे करियर बनता है, इसमें क्या क्या करना होता है, क्या सैलरी है, क्या रास्ता है यहाँ पर जाने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी को ये पता है, अच्छा सबको ये बात तो पता होगा बंदर से इंसान बने, पता है कि नहीं पता? आवाज में दम नहीं है तो मुझे ये बताओ सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया था एक बंदर को इंसान बनाने, एक बंदर को इंसान बनाने के लिए ऐसी कौन सी घटना थी जिसने बहुत बड़ा रोल अदा, कोई भी गलत से कुछ भी बता बताओ, कोई भी गलत में से, वॉइस में से, कहीं से, कोई किसी को पता है? हाँ या ना, इंटरेक्ट करो, हाँ या ना, अरे ना बोलना तो भी तो जोश से बोलो, उड़ा रहे हो क्या सब है? चलो नहीं पता कोई बात नहीं, अब सुन के चौंक मत जाना, पर ये सच है, एक बंदर को इंसान बनाने में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया था ना, उस जीव का नाम है घास, घास ग्रास जो फील्ड में होती है, मैदानों में होती है, वो घास की बात कर रहा हूं, उसने सबसे बड़ा रोल अदा किया था एक बंदर को इंसान।